ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई सोमवार के राशि फल के बारे में कि यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बना सकें। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए सोमवार का दिन। सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज कोई महत्वपूर्ण और लाभदायक सूचना आपको प्राप्त होगी। दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करें, यह संबंध आपके लिए आर्थिक संबंधित कई नई उपलब्धियां उत्पन्न कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों साथ ही साथ आज कोई पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों के हल होने की भी आज संभावना है। धन के निवेश संबंधित कार्यों पर आज आप विशेष रूप से ध्यान दें। लाभदायक समय आज आपके लिए चल रहा है, इसका आप भरपूर सदुपयोग करें। दोस्तों कर्म धर्म व सामाजिक सेवा संबंधित कार्यों के प्रति आज आपका रुझान रहेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से छानबीन करें, इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान व रुतबा भी बढ़ेगा। बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में आज सुकून भरा माहौल रहेगा। अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंधित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंधित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें। दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सहयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुशी प्राप्त होगी। साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अडिग रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आज आपको प्राप्त होगा। रचनात्मक व धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आज आपका रुझान रहेगा। जरूरतमंदों की सहायता में भी आज आपका समय व्यतीत होगा। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उपलब्धि का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों आज आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें क्योंकि कभी कभी व्यवहार में चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है और किसी से धन संबंधित लेन देन को भी आज स्थगित ही रखें। दोस्तों आपके स्वभाव में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बनते बनते कामों में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए आत्म अवलोकन करना आवश्यक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। दोस्तों बच्चों की किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा, उन्हें मार्गदर्शन देने की आपको आवश्यकता है। मकान व गाड़ी से संबंधित कागजातों को आप बहुत ही अधिक संभाल कर रखें, उनके खोने या रख कर भूलने की आज संभावना बन रही है। दोस्तों अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से आपकी जिद की वजह से संबंध खराब होने की भी आशंका है। दोस्तों अपने स्वभाव में लचीलापन रखें तथा रिश्तों की मर्यादा का भी आपको
ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, संतान के किसी गलत संगति की वजह से आज चिंता रहेगी, परंतु आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल भी निकलेगा। ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई भी निर्णय ना लें। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों, विरोधी आपके लिए आज कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, परंतु आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आपको विजय हासिल होगी। दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन को खुशमय बनाने में ही आपकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की खटास उत्पन्न होने की संभावना बन रही है, अपने व्यवहार को आप संयमित रखें। दोस्तों, अपने प्रत्येक कार्य में जीवन साथी की सलाह लेना आपके कई कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त होगी। दोस्तों, व्यस्तता के कारण घर परिवार की देखभाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु जीवन साथी आपकी परेशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। दोस्तों, घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं और माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम भी बनाएं। इससे आपके प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह अवश्य लें, क्योंकि कुछ निर्णय गलत होने की आज आशंका है। विद्यार्थियों को भी कहीं नौकरी संबंधित विभागीय परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सलाह आपके व्यवसाय के लिए अधिक फायदेमंद तथा तरक्कीदायक रहेगी। दोस्तों, इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नौकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्धि मिलने के योग आज बन रहे हैं, जिससे उनको काफी खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, व्यवसायिक उद्देश्यों को लेकर भी आज कोई नजदीकी यात्रा संभव है। अगर किसी नए कार्य की शुरुआत की है तो अब उसके उचित परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ नए अवसर आज बन रहे हैं। दोस्तों, आपको अपनी मेहनत के अनुरूप आज फलदायक परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु मार्केटिंग व बाहर के कार्यों को आज स्थगित रखें। किसी नजदीकी मित्र की सलाह पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि यह सलाह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज गला खराब और खांसी जुखाम जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लापरवाही ना करें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और आयुर्वेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप सेवन करें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेष उपाय क्या है। दोस्तों, आज आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव का शक्कर मिले दूध से अभिषेक करें और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं मांगें।
चीजों पर भी आप अधिक ध्यान दें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आप दूर रहें। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है, सावधान रहें।